नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी की भावनाओं को आहत पहुँचा। मैंने कहा था कि ग्रुप डी का रिजल्ट है इतने देर बाद है आ जाएगा, सभी बच्चों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये न्यूज़ जब मेरे को पूरा 100% श्योर था, क्योंकि जहाँ से न्यूज़ मिली थी पहले भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी, उसके खिलाफ़ बहुत वीडियो बनी। मैंने कहा था कि रिजल्ट है ना वो छुट्टियों से पहले, क्योंकि 1 तारीख से कोर्ट की छुट्टियां होनी थी उससे पहले आएगा, तो बहुत वीडियो बनी नहीं आएगा। लेकिन उस दिन रिजल्ट आ गया, लेकिन मैंने फिर भी वो वीडियो नहीं बनाई। देखो मैंने कहा था रिजल्ट आ गया, क्योंकि मेरे को कोई क्रेडिट नहीं लेना था, और ये वहीं से रिसोर्सिस से पता चलेगा कि तैला था कि इतनी देर बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, तो मैं सभी बच्चों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। टेक्निकली देखा जाए ना तो चाहे कुछ भी एरर रहा हो, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हुई और बहुत से बच्चे आहत हुए। मैं गुरुजम्बेश्वर भगवान के धाम मुकाम गया हुआ था, वहाँ पर एक जॉब लगी हुई गुड़िया मिली, मिल के बहुत अच्छा लगा। वो कह रही थी कि सर आपने कहा ना, तो सभी बच्चे कह रहे हैं प्रदीप सर ने कहा है तो रिजल्ट है पक्का आएगा। बच्चे, इससे पता चलता है कि बच्चे कितना विश्वास करते हैं एक टीचर पे। तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ बेटा, आज के बाद 100% पे भी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर 110% श्योर हुआ ना तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। और वो वीडियो भी मैंने एक शॉर्ट्स में डाली थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये जीके भाई प्रदीप सर चैनल आप सभी बच्चों का है, 6 साल हो गए हैं। अगर एक वीडियो पर 50,000 व्यू ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने शॉर्ट्स में डाली है। और आप चेक कर लेना शॉर्ट्स से कितनी कमाई होती है, कोई कमाई वाली बात नहीं थी, वो एक जेन्युइन मेरे को लगा ना तो मैंने वीडियो बनाई है। अभी ये भी नोटिस आया कि ग्रुप डी वालों की सैलरी तैयार है, वो कभी भी डल सकती है। फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि वो इतनी देर बाद सैलरी आएगी, वो तैयार हो चुकी है। अब आज के बाद मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि मैं ऐसी कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा जिससे मेरे बच्चों को उम्मीद जगे और वो बाद में आहत हो। सभी से उम्मीद करता हूँ आप मेरे छोटे भाई बहनों, किसी का हो सकता है मैं किसी से छोटा हूँ और किसी से मैं बड़ा हूँ, सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से आप सभी बच्चों को आहत हुए हो। और बहुत से बच्चों का विश्वास जुड़ा होता है कि सर ये चीज़ करेंगे तो वो सोच समझ कर करेंगे, तो वो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी और 100% उन्होंने कहा था। मैंने कहा वीडियो बोला 100% बना दो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन मैं आप सभी बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। आगे से इन फ्यूचर मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, आप अपना प्यार बनाए रखिए। उम्मीद भी करता हूँ मेरे छोटे भाई बहन हैं आप माफ़ कर दोगे, लेकिन फ्यूचर में ऐसी वीडियो नहीं बनेगी। और ग्रुप डी की लिस्ट है, अब कब आएगी, जब 110% शोर होगा तभी, या तो लिस्ट आने के बाद वीडियो बनेगी या ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा फिर ही वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। आज के लिए माफ़ी। हाँ सैलरी तैयार हो चुकी है, नहीं कहूंगा कि कल आएगी, इतनी देर बाद आएगी, वो जब आएगी तो सभी को पता चल जाएगा। थैंक यू बच्चों अपना प्यार दिखाने के लिए, थैंक यू। और मेरे मन में ये कसक थी कि ये वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे विश्वास दिखाते हैं, उनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच और अगेन दिल से सॉरी, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेटा, सोमवार से, कल से, सोमवार से, मंडे से आपके लिए लाइव क्लास भी शुरू कर रहे हैं, मंडे ना तो ट्यूसडे से। मंडे को हो सकता है सीटी के लिए एक प्रोटेस्ट की प्लान चल रही है, देखो क्वालिफाई के लिए होता है क्या होता है, वो फ्यूचर में है। सोमवार से या मंगलवार से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।